दोस्तों, अगर आपके पास भी है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर बीएसएनएल का सिम, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के सबसे सस्ते मिनिमम रिचार्ज प्लान के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप इनके मिनिमम रिचार्ज प्लान से रिचार्ज करके अपने नंबर को एक्टिवेट रख सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2024 में कौन सा सिम आप लोगों के लिए यहां पे सबसे सस्ता होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यहां पे किस टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम यूज कर रहे हैं और साथ ही आप यहां पे अपने नंबर में कौन सा रिचार्ज प्लान को यूज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, 2024 में यहां पे कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर आप लोगों को सबसे सस्ता मिनिमम रिचार्ज प्लान दे रही है और साथ ही यहाँ पे कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम आप लोगों के लिए यहाँ पे सबसे सस्ता होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एयरटेल के बारे में। तो अगर आपके पास भी है एयरटेल का सिम, तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल आप लोगों को जो सबसे सस्ता मिनिमम रिचार्ज प्लान दे रही है वो यहाँ पे 155 रुपए का दे रही है। तो एयरटेल के 155 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में आपको मिलेंगे 24 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 300 एसएमएस और साथ में 1 GB डेटा। मगर एयरटेल के इस प्लान में आपको मिलेंगे सिर्फ 24 दिन की ही वैलिडिटी। तो अगर आप भी यहाँ पे 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल आप लोगों को जो सबसे सस्ता मिनिमम रिचार्ज प्लान दे रही है वो यहाँ पे 179 रुपए का दे रही है, जहाँ पे आपको मिलेंगे 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 300 एसएमएस और साथ में 2 GB डेटा। अब बात करते हैं दोस्तों रिलायंस जियो के बारे में। तो अगर आप एक जियो यूजर्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों रिलायंस जियो आप लोगों को जो सबसे सस्ता मिनिमम रिचार्ज प्लान दे रही है वो यहाँ पे 155 रुपए का दे रही है, जहाँ पे आपको मिलेंगे 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 300 एसएमएस और साथ में 2 GB डेटा। अब बात करते हैं दोस्तों सरकारी टेलीकॉम बीएसएनएल के बारे में। तो अगर आप एक बीएसएनएल यूजर्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बीएसएनएल आप लोगों को जो सबसे सस्ता मिनिमम रिचार्ज प्लान दे रही है वो यहाँ पे सिर्फ 94 रुपए का दे रही है। तो बीएसएनएल के इस प्लान में आपको मिलेंगे 30 दिन की वैलिडिटी, 200 मिनट वॉइस कॉलिंग और साथ में 3 GB डेटा। मगर इस प्लान में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एसएमएस की बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पे बीएसएनएल आप लोगों को एक और मिनिमम रिचार्ज प्लान दे रही है 107 रुपए का, और इस प्लान में भी आपको मिलेंगे 200 मिनट वॉइस कॉलिंग और साथ में 3 GB डेटा। मगर इस प्लान में आपको मिलेंगे 35 दिन की वैलिडिटी। अब बात करते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो अगर आप एक वोडाफोन आइडिया यूजर्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों वोडाफोन आइडिया सबसे सस्ता मिनिमम रिचार्ज प्लान दे रही है वो यहाँ पे सिर्फ 99 रुपए का दे रही है। तो वोडाफोन आइडिया के इस प्लान में आपको मिलेंगे 28 दिन की वैलिडिटी, साथ में 99 रुपए का टॉक टाइम और साथ में 200 MB डेटा। मगर दोस्तों वोडाफोन आइडिया अपने इस प्लान में कुछ सर्कल में देती है 28 दिन की वैलिडिटी, तो वहीं पे कुछ सर्कल में देती है सिर्फ 18 दिन की वैलिडिटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया आप लोगों को और भी कई सारे मिनिमम रिचार्ज प्लान दे रही है, जैसे कि 107 रुपए का। इस प्लान में आपको मिलेंगे 107 रुपए का टॉक टाइम, 200 MB डेटा और साथ में 56 दिन की वैलिडिटी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ पे आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलेंगे वो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेंगे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया आप लोगों को स्पेशल ऑफर दे रही है, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया अपने कुछ प्लान में आप लोगों को दे रही है एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप एक वोडाफोन आइडिया यूजर्स हैं, तो आप यहाँ पे VI ऐप में जाकर चेक कर लें कि आपको स्पेशल ऑफर के
तहत आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है या फिर नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कि 2024 में आप लोगों के लिए यहाँ पे कौन सा सिम सबसे सस्ता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप भी यहाँ पे फ्री इनकमिंग कॉल को पाना चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे रिलायंस जियो का नंबर ले सकते हैं, क्योंकि रिलायंस जियो में लगभग पूरे एक साल तक बिना रिचार्ज किए हुए यहाँ पे आप लोगों को फ्री इनकमिंग कॉल मिलते रहेंगे। जबकि बात करें दोस्तों बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर के बारे में, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर बीएसएनएल के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपका रिचार्ज यहाँ पे खत्म होगा तो तुरंत आपके नंबर में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल को बंद कर दी जाती है। तो ये कुछ अपडेट दोस्तों आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे और आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।